आज हम सभी भारतवंशी अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह बात हम सभी के लिए खुशी के साथ गौरव की अनुभूति कराता है। पर मेरे मन में कई सवाल है। अव्वल तो ये कि व्यापार करने वाले मुट्ठी भर अंग्रेजों के हम गुलाम कैसे हो गए? सिर्फ गुलाम ही नहीं हुए बल्कि करीब 200 वर्षों तक गुलाम रहे। 200 वर्ष एक बड़ा कालखंड होता है। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि उस समय यानी जब अंग्रेज हमको गुलाम बना रहे थे तब भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी। क्या हमने उन हालातों से कोई सबक लिया? ऐसे और भी कई सवाल है जिसको समझने के लिए जब मैंने इतिहास के पन्ने पलटे तो परत दर परत गांठ खुलती चली गई। इसको ठीक से समझने के लिए सबसे पहले प्लासी के मैदान में हुए युद्ध को समझना होगा। प्लासी की लड़ाई क्यों और किन हालातों में हुई और इसका परिणाम क्या हुआ, यहीं पर हमारे तमाम सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आज हम प्लासी की उसी लड़ाई पर अपना रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी समझ में आने लगेगा कि आखिर हम अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर की सेगमेंट में आपका स्वागत है। बात प्लासी के युद्ध की हो रही थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच सबसे पहला युद्ध हुआ था। उस समय सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हुआ करते थे जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध करने उतरी थी। यह युद्ध प्लासी के मैदान में हुआ था इसलिए इसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के पूर्वी इलाके को प्लासी का इलाका कहा जाता है। यह लड़ाई वर्ष 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला इस लड़ाई में पराजित हुए थे और यहीं से भारत में ब्रिटिश हुकूमत की नींव पड़ गई थी। कहानी इतनी भर नहीं है बल्कि असली कहानी तो इसी युद्ध की पृष्ठभूमि में छिपा है। हाँ, एक बात यहां आपको बता दें कि नवाब के पास 50,000 सैनिक थे जबकि क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना में मात्र 3,000 सैनिक थे। बावजूद इसके नवाब पराजित क्यों हुए, इस सवाल का जवाब आगे तलाशेंगे। पहले यह जान लेना जरूरी है कि उन दिनों भारत पर मुगलों का शासन हुआ करता था। यह बात 16वीं शताब्दी के मध्य की। मुगल भारत पर निर्बाध शासन कर रहे थे। हालांकि शासन पर मुगलों की पकड़ उन दिनों धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। कहते हैं कि मुगल काल में बंगाल प्रांत को सबसे उपजाऊ या अमीर प्रांत माना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम के वस्त्र, सूती के वस्त्र और हस्तशिल्प के कई अन्य वस्तु बंगाल से यूरोप ले जाते थे, यानी इन वस्तुओं का व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1690 में मुगल बादशाह के साथ एक समझौता किया था। इस समझौता के तहत बंगाल से व्यापार करने की उन्हें यानी कंपनी को अनुमति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल का कितना महत्व था इसको समझने के लिए कंपनी के टर्नओवर को समझना जरूरी होगा। दरअसल एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का करीब 60% हिस्सा अकेले बंगाल से होता था। उन दिनों ब्रिटिश कंपनी बंगाल से करीब 50,000 पाउंड का कारोबार करती थी। सिर्फ कर के रूप में मुगल शासक को करीब 350 पाउंड या 3,000 रुपए का कर यानी टैक्स मिलता था। इससे आप बंगाल के समृद्धि को समझ सकते हैं। यह गुलामी से पहले बंगाल था। कहते हैं कि इसी समृद्धि की वजह से बंगाल पर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि थी और इन्हीं कारणों से बंगाल पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन दिनों रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। यहां आपको बता दें कि उन दिनों बंगाल का मतलब सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं था बल्कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त आज का बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा भी उन दिनों बंगाल प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। बंगाल के नवाब हुआ करते थे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को उनका उत्तराधिकारी बनाकर नवाब की गद्दी पर बैठा दिया गया। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब तो बन गए पर उनके दरबार में शामिल कई दरबारी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल अली वर्दी खान से पहले मुर्शिद कुली खान बंगाल के दीवान हुआ करते थे। कायदे से मुर्शिद कुली खान के बड़े पुत्र सरफराज खान को बंगाल की दीवानी मिलनी चाहिए थी किंतु अली वर्दी खान ने
सरफराज खान की हत्या करके गद्दी पर कब्जा कर लिया था। इस घटना के बाद मुर्शीद कुली खान के समर्थकों में असंतोष था, पर अली वर्दी खान ने उस असंतोष को दबा दिया और शासन करने लगे। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद जब उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को विरासत में गद्दी मिली तो असंतोष एक बार फिर से सिर उठाने लगा। इस बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहां के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के कठपुतली बन चुके थे। अब बारी बंगाल की थी। कंपनी के अधिकारी बंगाल में मनमानी करने लगे और कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला बात को समझ गए थे। उन्होंने इसको अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना। सिराजुद्दौला बंगाल को कर्नाटक नहीं बनने देना चाहते थे। नतीजा नवाब अपनी सेना लेकर कलकत्ता की ओर कूच कर गए। जून 1756 में नवाब की सेना ने कंपनी की सेना को खदेड़ दिया और फोर्ट विलियम को कंपनी के कब्जे से मुक्त करा लिया। इस लड़ाई में 146 ब्रिटिश सैनिक को नवाब की सेना ने कैद कर लिया था, जिनको नवाब के आदेश पर 20 जून 1756 को कलकत्ता की एक बहुत ही छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया गया। यह कोठरी बहुत ही छोटी थी, इसमें धूप और हवा के लिए भी कोई जगह नहीं था। नतीजा 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को इतिहास में कलकत्ता ब्लैक होल कांड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सैनिकों की दमघोटू मौत की खबर मिलते ही कंपनी के अधिकारी बौखला गए और नवाब से बदला लेने की योजना बनाने लगे। अभी तक यह तय हो गया था कि आमने सामने की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराना कंपनी के लिए आसान नहीं था। नतीजा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए छल का सहारा लिया। कंपनी ने मद्रास में तैनात अपने सबसे चतुर सैनिक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल बुला लिया। बंगाल पहुंचते ही रॉबर्ट क्लाइव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले सिराजुद्दौला के सबसे बड़े सैनिक अधिकारी मीर जाफर से संपर्क किया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की ऑफर दे दी। मीर जाफर को यह ऑफर पसंद आया और उसने रॉबर्ट क्लाइव से एक गुप्त समझौता कर लिया। इधर सिराजुद्दौला इस पूरे घटनाक्रम से बेखबर थे। नतीजा 1757 में पलासी के मैदान में हुए युद्ध में सिराजुद्दौला की पूरी पराजय हुई। जब सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भागने लगे तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला पर पीछे से वार करके उनकी हत्या कर दी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पलासी की लड़ाई जीत ली। यह युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित होने लगा। यहीं से भारत में अंग्रेजों की गुलामी का दौर भी शुरू हो गया, जो अगले 200 वर्षों तक हमारा शोषण करता रहा। हालांकि इसमें अभी कुछ रुकावटें अभी बाकी थी। दरअसल अंग्रेजों की यह जीत हमारे ही कुछ गद्दारों की वजह से हुई। गौर करने वाली बात यह है कि कालांतर में उस गद्दार के वंशज भी गुलाम हो गए। आजादी के 75 वर्षों बाद आज भी यह सिलसिला थमा नहीं है। आज भी हमारे बीच के कुछ लोग विदेशी ताकतों के प्रलोभन में आकर अपने ही देश के खिलाफ चल रही साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार यह काम हम अनजाने में भी कर लेते हैं। मत भूलिए कि जिस रोज उन ताकतों ने भारत पर कब्जा कर लिया, उस रोज वह आपको भी बड़ाबड़ी का नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को गांठ बांधकर याद कर लीजिए। पलासी के युद्ध में हमारे लिए बहुत बड़ी सीख छिपा है। इसको सिर्फ अंग्रेजों की धोखेबाजी समझना नादानी होगा। दरअसल हर वह दुश्मन मुल्क इसी तरह की चालें चलता है। झांसे में आने वाला राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। इतिहास को छोड़िए, अब वर्तमान में यूक्रेन को देख लीजिए। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका समेत नाटो के 30 देश यूक्रेन को सैनिक मदद देने का भरोसा दे रहे थे। इसी के दम पर यूक्रेन जैसा छोटा देश रूस जैसे महाशक्ति को आंख दिखाने लगा। आज यूक्रेन करीब करीब बर्बाद हो चुका है। अमेरिका क्या कर रहा है? अपने लिए हथियार का बाजार तलाश रहा है। कच्चे तेल पर एक छत्र राज कायम करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। इससे यूक्रेन को क्या मिलेगा? यूक्रेन तो बर्बाद हो गया। इसके बाद भी हम नहीं समझ पाए तो आखिर कब समझेंगे? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मीर जाफर का क्या हुआ? बेशक प्लासी का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शर्तों के साथ मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, पर नवाब को अपनी सेना रखने के अधिकार से वंचित कर दिया ताकि वह भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का
कठपुतली बना रहे। इसके अतिरिक्त रॉबर्ट क्लाइव ने पलासी के युद्ध में कंपनी को हुए खर्चे की भरपाई करने के लिए बंगाल के 24 परगना की जमींदारी अपने पास रख ली। कंपनी इतने से संतुष्ट नहीं था, धीरे धीरे कंपनी की मांगे बढ़ने लगी। मांगे इतनी बढ़ गई कि मीर जाफर के लिए उसकी भरपाई करना अब मुश्किल होने लगा था। जब मीर जाफर ने कंपनी की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो कंपनी बहादुर ने तत्काल ही मीर जाफर को भी गद्दी से उतार दिया और उसी के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। यानी बंगाल की स्थिति अब कर्नाटक से भी बदतर होने लगा था। मतलब साफ है, नवाब चाहे कोई हो, हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की चलेगी। मीर कासिम इस बात को समझ गया। नतीजा उसने भी वही चाल चलनी शुरू कर दी, बंगाल के प्रशासन में बदलाव करने शुरू कर दिए। सबसे पहले वर्ष 1762 में मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर शिफ्ट कर दिया। मुंगेर आज के बिहार का हिस्सा, उन दिनों वह बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मीर कासिम को लगा कि मुंगेर पर नजर रखना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं होगा। मुंगेर पहुंचते ही मीर कासिम ने सबसे पहले गुपचुप तरीके से सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसको पता था कि आगे चलकर कंपनी से टकराव होना तय है। हालांकि सेना अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था। इस बीच मीर कासिम ने एक गलती कर दी। जल्दीबाजी में उसने कंपनी को व्यापार कर देने का फरमान जारी कर दिया। इसे रॉबर्ट क्लाइव भड़क गया। क्लाइव को समझ आ गया कि मीर कासिम कठपुतली बनकर रहने वाला नहीं है। नतीजा रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम पर हमला बोल दिया। कंपनी की सेना ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी होते हुए मुंगेर पर धावा बोल दिया। इधर मीर कासिम इसके लिए अभी तैयार नहीं थे। नतीजा मीर कासिम ने अपनी जान बचाने के लिए मुंगेर छोड़ दिया और भागकर अवध पहुंच गया। उन दिनों सुजा उद दौला अवध के नवाब हुआ करते थे। उनकी मदद से मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संपर्क किया और बंगाल पर फिर से कब्जा करने की रणनीति बनाई। अवध के नवाब के कहने पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी से आजाद कराने के लिए शाही सेना का एक टुकड़ी बंगाल के लिए रवाना कर दी। आगे चलकर इस टुकड़ी में अवध की सेना भी शामिल हो गई। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की भनक पहले ही मिल गई। कंपनी ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अपनी सेना को इकट्ठा करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यह बात वर्ष 1763 की है। बक्सर के समीप दोनों सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। हेक्टर मुनरो ने बड़ी चालाकी से लड़ते हुए मुगल सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध को इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फाइनली बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इसी के साथ बंगाल में कठपुतली नवाब रखने की परंपरा का भी अंत हुआ और भारत में कंपनी हुकूमत की शुरुआत हो रही। सही कसर 1765 में पूरा हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में शांति की बहाली के लिए मुगल सम्राट ने इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौता कर लिया। इस समझौता के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की वैध हुकूमत शुरू हो गई या उसकी नींव पड़ गई। यहीं से भारत में कंपनी राज की भी शुरुआत हुई, जो आगे चलकर धीरे धीरे पूरे भारत को अपने गिरफ्त में लेता चला गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मीर जाफर लालच में नहीं आया होता और सिराजुद्दौला के साथ धोखा नहीं हुआ होता तो बंगाल की सत्ता कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं गई होती, शायद भारत भी गुलाम नहीं होता। पर यह सभी कुछ हुआ और लालच की वजह से हुआ। अब लालच का परिणाम देखिए। बेशक थोड़े दिनों के लिए मीर जाफर बंगाल का नवाब बना पर जल्दी ही मारा गया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से पहले बंगाल और बाद में धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। चंद लालची लोगों की वजह से पूरा भारत गुलाम हो गया। ऐसे लालची लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो क्षणिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान नहीं हुई तो खामियाजा हम सभी को भुगतना। नमस्कार।